सो दैट इज माय ब्लू स्टार का डीप फ्रीजर. वाओ दैट्स माय आलू प्याज लहसुन एंड संग्राम इज कमिंग टुमारो. दैट्स माय तबला. मैं कथक करती थी ना पहले बहुत, तो मास्टर जी का तबला है एंड दैट्स द घुंगरू. ओह माय गॉड कूलिंग हो रही है. दैट्स माय ब्लू स्टार एंड दिस इज द एलजी व्हिच इज एज गूफ्ड अप एज बिफोर. सो जब आप कोई होटल में जाते हो और आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो 15 मिनट में आपको वो ऑर्डर मिल जाता है. आप 15 मिनट में सिम में ग्रेवी नहीं बना सकते चाहे कितना भी अच्छा कुक क्यों ना हो. तो हर एक किचन के अंदर कोल्ड स्टोरेज होता है. कोल्ड स्टोरेज में ग्रेवीज रेडीमेड रेडी करके रखी जाती है और उन ग्रेवीज को निकाला जाता है जब ऑर्डर्स आते हैं और फिर उसको गर्म करके उसके अंदर पनीर डाल दिया जाता है या आलू डाल दिया जाता है या कोई और सब्जी कोफ्ता की डाल दी जाती है. आप देखेंगे पनीर बटर मसाला और चिकन बटर मसाला सबका ग्रेवी का टेस्ट मोस्टली एक ही होता है. ग्रेवी कॉमन होती है, खाली उसके अंदर पनीर डालता है कोई चिकन डालता है. सो मैं अभी कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल करने वाली हूँ ग्रेवीज बना के रखने के लिए. सो द लास्ट मोमेंट पे यू नो लास्ट मोमेंट पे आई कैन इवन मेक डिशेस. दो अभी मेरे मेन्यू में कॉम्प्लिकेटेड ग्रेवी वाली डिशेस नहीं है मगर कभी तड़का देना होता है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई ऑडियंस वॉट आई एम थिंकिंग. सो कोल्ड स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ हाउस एंड इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस अ मस्ट. अब आप पालक लेके आओ, मेथी लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, आपको उसको कोल्ड स्टोरेज में आपको उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा. अदरवाइज वो पालक मेथी दो दिन में ख़राब हो जाएगा या उसकी प्यूरी बना के रखनी पड़ेगी. फ्रिज में आप कितना रखो बिकॉज मेरा तो बहुत बड़ा फ्रिज है और वो भी 5 दिन से ठीक नहीं हो रहा है. कैन यू अंडरस्टैंड. सो या सो द कोल्ड स्टोरेज वॉज अ गुड आइडिया. अब वही है कि जोमेटो के साथ साथ बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी ऑन बोर्ड जाने का कोशिश करना चाहिए सो दैट आई एम सिस्टमैटिकली एक्सपेंडिंग. बट यही है मेरा स्टाफ. माई स्टाफ इज़ नॉट अप टू द मार्क विद दिस काइंड ऑफ स्टाफ. इट इज़ अ वन मैन शो एंड वन मैन शो इज डिफिकल्ट समटाइम्स. आई कॉन्ट बी एट ऑल द प्लेसेज एट ऑल द टाइम. अभी मैं डी मार्ट गई थी शॉपिंग करने के लिए और फ्रिज वाले का फ़ोन आया. कैन यू बीट इट. अब मैं चंदा भाई को मेरे साथ लेके गई बिकॉज आई हैड नो अदर ऑप्शन. तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकली फ्रिज वाले का फ़ोन आया. एनी वेज 7 o'clock माई रेस्टोरेंट ओपन्स एट जोमेटो. सो आई हैव टू रीच होम. आई टॉक टू यू लेटर. आई हैव टू रश. आई हैव केप्ट स्लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट वर्किंग टाइमिंग्स सो दैट एवरीथिंग इज सॉर्टेड. आई कैन मैनेज दैट क्योंकि आई एम ओनली हैंडलिंग द पैकिंग. आई एम ओनली हैंडलिंग द ऑर्डर्स. सो आई हैव केप्ट स्लॉट्स एज पर माई कन्वीनियंस. आई कैन चेंज द स्लॉट्स ऑल्सो. दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट जोमेटो कि मैं अपने हिसाब से अपने स्लॉट खोल सकती हूँ, बंद कर सकती हूँ एज पर माई कन्वीनियंस. एंड आई कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेस्टोरेंट बिजनेस. डू यू नो दैट. ओके बाय. राम बाबू जी यहाँ पर मुझे बोला गया है कि इसका पंखा खराब है और इसका गैस का लाइन चौक्ड है. तो अगर आप गैस चार्जिंग करेंगे तो पहले इसका पंखा ठीक करिए और फिर इसकी लाइन को साफ करिए और फिर गैस भरिए. क्योंकि यहाँ पर मेरा फ्रिज खराब होता जा रहा है. 5 दिन हो चुके हैं. आप लोग इंटरनली एक दूसरे से बातचीत कर लीजिए कि क्या दिक्कत है. और आपका वीडियो ब्लर करके भेजा जाएगा बिकॉज यहाँ पे मुझे आपको पब्लिसिटी नहीं देनी है. मुझे मेरा काम कराना है.
और मेरे पास टाइम नहीं है आप लोगों के मैनेजर्स के साथ बात करने का, अगर आप लोग इंटरनल कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते हो। मेरे को तो गैस के मिला है, गैस जो आया था बिजी कौन करने आया था, मोहम्मद अक्सर आया था ना? मुझे नहीं पता, मेरे पास उसका नंबर है। आप मोहम्मद आया कि राम बाबू आया, हिंदू आया कि मुस्लिम आया, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि एलजी का टेक्नीशियन आया है, और अगर टेक्नीशियन एक विजिट करता है उसको अपनी विजिट सिस्टम में अपलोड करनी चाहिए। मेरे को मत पूछिए कौन आया, कौन से नंबर से आया, ये आप लोगों का इंटरनल मैटर है। मैं पूछ रहे कौन आया आपके सिस्टम में, आपको पता नहीं है कि ये रिक्वायरमेंट में कौन टेक्नीशियन आया, उसने क्या अपलोड किया है? जो आया गैस रिफिल कराया बस, गैस तो उसने। अच्छा मैं उसका आपको, मैं उसका वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती हूँ। उसने मुझे बोला है कि फैन खराब है, गैस की लाइन चोक्ड है, सबके वीडियो एक दूसरे को दिखाती जाऊं मैं, तो वो भी झूठ बोल रहा है। आपको कम इन्फॉर्मेशन दी है तो मेरा सामान, मेरा खाना 5 दिन से खराब हो रहा है मेरा, आपकी वजह से। मैंने 16,000 का एक डीप फ्रीजर खरीद लिया, मैं तो उठा के ये फ्रिज भी फेंक दूं, मगर कम से कम आप लोगों की बेइज्जती तो हो कि आप लोग कितना फ्रॉड करते हो। कोई गरीब कस्टमर हो उसका तो 5 दिन में खाना खराब हो जाए सारा, मेरे जैसा कस्टमर ना हो कि डीप फ्रीजर खरीद ले तो बेचारे का गया पूरा खाना 15-10 दिन के लिए। आप लोग तो टाइम पास करते रहोगे, तो लोगों को एलजी से सामान नहीं लेना चाहिए। मैं क्यों मैनेजर को फोन करूं? मेरी ड्यूटी है मैनेजर्स को फोन करने की एलजी के क्लिनिक सेंटर्स के अंदर? नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं है। नंबर ही नहीं यूज करेंगे भैया, आप उसको स्पीकर पे रखिए। ये दूसरा है, वो नहीं, तो वो अभी आज फोन नहीं उठा रहा है। ठीक है चलो, क्या बोले आपके वो सर जिनसे आपने बात करी? वो महिला, वो आया था विजिट करने, वो विजिट नहीं किया। कौन आया था विजिट करने? मैं बोला मोहम्मद अफसर आया, वो नहीं आया, फैजल का क्या है? तो फैजल ने क्या बोला? उनसे बात ही नहीं हुआ। तो फैजल ने क्यों नहीं अपडेट किया? आपको चाहिए फैजल का नंबर बात करने के लिए? जी हाँ देती हूँ आपको। तो अभी आप मेरा ये अटेंड करेंगे कि कोई चौथा टेक्नीशियन आएगा? नहीं, आप ही आएंगे। ठीक है, मेरे आपके साथ कुछ निजी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा काम कराना है। ठीक, आप फैन का ऑर्डर देंगे और गैस तो फिल आप कभी भी कर सकते हैं, आपके बैग में होता है गैस फिल, और वो जो लाइन जो चोक हुई है उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? वो सब साथ में हो जाता है। ठीक है, तो फैन खराब है ना? तो फिर फैजल जी ने आपको बताया नहीं या सिस्टम में अपडेट नहीं दिया? तो सिस्टम में जो उधर टीएल वगैरह थे ना, हाँ वो लोग हमको कॉल देते हैं। हाँ तो गड़बड़ है ना सर, इतना टाइम लगेगा, एलजी कितना पुराना ब्रांड है। इतना टाइम नहीं लगता है, 2-3 दिन में हो जाता है। मैं क्रोमा जाके आई जहाँ से मैंने ये एलजी खरीदा, और वहाँ के कस्टमर केयर में कंप्लेन करके आई। क्यों मैं मैनेजर्स को क्यों फोन करूँ? मैंने कोई लेट नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। हाँ दिस ब्लैक मार्क ऑन द इनसाइड ऑफ माई फ्रिज, और अभी मैं उसको कुछ बोलूंगी तो दे विल से दैट ओ माय गॉड ही हैज actually goofed up the inside of my white wall. He will have to clean it when he comes, otherwise I'm not paying him for this nonsense. How disgusting, ये लोग रोज ये काम करते हैं और उसके बावजूद गंद फैला के जाते हैं। फैन नहीं काम कर रहा था, गैस की लाइन चोक्ड थी, मगर उसने टेम्प्ररी कुछ करके गया है, बिकॉज आई हैव टोल्ड हिम दैट इट्स नॉट माई फॉल्ट दैट यू गाइज डोंट हैव एन इंटरनल कोऑर्डिनेशन। मगर जो भी करके गया है टेम्प्ररी टिल द फैन कम्स एंड टिल द अदर थिंग्स आर सॉर्टेड आउट, वहाँ पर वो करने में
ही हैज पुट ब्लैक पैचेस ऑन माय फ्रीजर का इनसाइड वॉल्स. ऑल माय डियर कस्टमर्स, जो लोग स्टॉल पे खाना खाते हैं या स्टॉल से खाना पैक करवाते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि स्टॉल पे जो लड़का है उसको बोले अपने आंखों के सामने हाथ को सैनिटाइज करें और आपका खाना पैक करें या आपको सर्व करें. स्टॉल के ऊपर बटर पेपर है तो प्लेट्स के ऊपर बटर पेपर पे आप अपना खाना डाल के खा सकते हैं, तो न्यूज़पेपर की इंक नहीं आएगी. और अगर आप खाना पैक करवा रहे हैं तो स्टॉल के लड़के को बोलो हाथ सैनिटाइज करें और फिर प्लास्टिक्स में आपका खाना पैक करें. डू दिस फॉर योर ओन हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स बिकॉज यू नो हाउ दीज बॉयज आर ऑन द स्टॉल, है ना. सो बी स्मार्ट, सिक्योर योर फूड. तो जोमैटो के ऑर्डर्स की पैकिंग तो मैं करती हूँ क्योंकि मैं घर पे होती हूँ. मैं खाना पॉलिथीन्स में डालती हूँ, बैग्स यू नो प्लास्टिक कंटेनर्स में डालती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द ऑर्डर इज. बट स्टॉल की पैकिंग मैं ज्यादातर नहीं कर सकती बिकॉज आई डोंट स्टैंड ऑन द स्टॉल. आई हैव केप्ट अ स्टाफ टू स्टैंड ऑन द स्टॉल, मगर वो स्टाफ के हाइजीन स्टैंडर्ड्स आई कैन नॉट ग्रिल इट इनसाइड हिम बिकॉज ये हाइजीन स्टैंडर्ड्स आई थिंक होते हैं या नहीं होते हैं. आपको पता था ना एक रियलिटी शो में जो विनर बना था वो कितना गंदा था, वो ना नहाता था ना धोता था, बट स्टिल ही वॉज लव्ड बाय एवरीबडी. सो सबके अपने अपने हाइजीन स्टैंडर्ड्स होते हैं. हाइजीन स्टैंडर्ड्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन गरीब इंसान एंड अमीर इंसान. हाइजीन स्टैंडर्ड्स आर वेरी पर्सनल. सो स्टॉल के लड़के को मैं बार बार बोलती हूँ कि प्लीज आप अपने हाथ सैनिटाइज करो, मगर अगर वो नहीं करता तो मैं 24 घंटे उसके सर के ऊपर नहीं खड़े रह सकती. आप लोग जब भी अपना फूड पैक कराओ या अपना फूड अपने सामने सर्व करवाओ, प्लीज मेक श्योर ही सैनिटाइजेज हिज हैंड्स. दैट्स फॉर योर ओन सेफ्टी. माई डियर हस्बैंड संग्राम जी, आज आप आने वाले हो तो आप कल जाके वाशी से मेरा माल उठवा लेना, आलू या प्याज, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है मैं वाशी जाऊं और माल अपने आंखों के सामने भरूं, बिकॉज दे पुट डर्टी माल इन फ्रंट ऑफ मी एंड टेल मी दैट इट इज़ गुड माल एंड आई एम नॉट एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन. सो द मैन इन वाशी मार्केट हैव सो मच ऑफ ईगो विद मी गोइंग टू वाशी मार्केट एंड कॉलिंग आउट देयर फ्रॉड दैट वो लोग मुझे जानबूझ के गंदा माल देते हैं अगर उनको मेरा लॉस करवाना है. इट्स अ डिफरेंट थिंग दैट आई आइडेंटिफाई सच पीपल नाउ. सो संग्राम जी प्लीज़ आप कल वाशी जाके मेरा माल उठा लेना, एंड अगर आप नहीं जा सकते हो बिकॉज यू आर बिजी, काइंडली सेंड एनी ऑफ योर पीपल हुम यू ट्रस्ट, बिकॉज आपके तो बहुत फ्रेंड्स हैं जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं. सो काइंडली सेंड एनी ऑफ योर फ्रेंड्स विद योर कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल एट वाशी मार्केट एंड गेट माई स्टफ पिक्ड अप प्लीज़ माई डियर हस्बैंड. पराठा, दाल राइस, कर्ड, अचार, चटनी ऑर्डर रेडी फॉर जोमैटो. Yes, baby. सर मेरा ऑर्डर रेडी है, आप कितनी देर में आएंगे? 5 मिनट लगेंगे मेरे को. अच्छा सर, क्योंकि आपकी वजह से मेरा डिले हो रहा है ऑर्डर. तो आई गॉट अ ऑर्डर फॉर डिलीवरी एंड द Zomato guy हैज नॉट टर्न्ड अप टिल नाउ. आई हैव जस्ट कॉल्ड हिम एंड ही इज सेइंग 5 मिनट और लगेंगे. Now this Imran guy who came to pick up my order, there was a witness because my stall boy Rakesh was also at home to collect another order, and I gave the order to Imran in 1 second. It was ready. What a liar this Imran is. He is writing that delivery partner arrived at 1:04 and delivery picked up at 1:08. This is showing incorrect order ready because the order was ready. It was kept ready with my timestamp in my food stall group. I'll show you the when the food stall group had my order ready, which has my mother and my father. This delivery partner, Imran, you need to be replaced.